नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मोनोसेफ 450 सस्पेंशन के बारे में, जो कि एक एंटीबायोटिक सस्पेंशन होता है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में किया जाता है। इस सस्पेंशन का इस्तेमाल किस किस प्रॉब्लम्स में किया जाता है, इसका क्या कंपोजिशन होता है, यूज़ किस प्रकार से किया जाता है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं मोनोसेफ 450 सस्पेंशन की। तो इस सस्पेंशन को एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको मेडिकल स्टोर पर 93 रुपये में मिल जाता है। और अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर सेफोडॉक्सिम साल्ट होता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो ये एक एंटीबायोटिक दवा है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ख़त्म करने में उपयोग में लाई जाती है। यदि किसी बच्चे को खांसी हो जाती है, सर्दी हो जाती है या फिर बुखार आ जाता है तो उस कंडीशन में इस सस्पेंशन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग यदि किसी को टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, ईयर इन्फेक्शन हो जाता है या फिर किसी बच्चे को निमोनिया की शिकायत हो जाती है तो उस कंडीशन में इस सस्पेंशन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी को थ्रॉट में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर यूटीआई का संक्रमण हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इस सस्पेंशन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इस सस्पेंशन का यूज़ स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इस सस्पेंशन का यूज़ किया जाता है। अगर हम इसकी डोजेस की बात करें तो डोज जो है वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है। इसकी जो डोज है वो 5 mg पर kg पर डोज के हिसाब से दी जाती है। यदि किसी बच्चे का वजन 10 किलोग्राम का है तो उसे 10 × 5 = 50 mg, तो उसे जो है 50 mg सुबह और 50 mg शाम में दी जाएगी, दिन में 2 बार। और इस दवा को खोलने के बाद 7 दिन के अंदर ही यूज़ कर लें और इसे यूज़ करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, तभी इस सस्पेंशन का यूज़ करें। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। अगर इस सस्पेंशन का यूज़ करते समय आपको यदि स्टमक पेन हो या फिर नौजिया वॉमिटिंग हो, स्किन में रैसेस आ गए हों तो उस कंडीशन में इस दवा का यूज़ करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। तो आज की वीडियो में हमने मोनोसेफ ओ सस्पेंशन के बारे में जाना। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।